हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हॉर्स राइडिंग बिहार में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही ख़राब है और मैं आज आपको बताने वाला हूं क्या। जैसे पहले आप देख सकते हैं हमारे घोड़े एक पद्मावती, एक काजल और चेतक, और हमारे सारे घोड़े पीछे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, आज मैं अपने सारे घोड़े को खेत पर नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रहा है दोस्तों। गर्मी की वजह से हम अपने फार्म पे नहीं ले जा सकते दोस्तों। तो आज मैं डिसाइड किया हूँ कि काफ़ी दिन से हमारे घर पे ही है, तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि तीन घोड़े को लेके जाएं फार्म पे, तीन घोड़े, क्योंकि इन लोग को घास के बिना मन नहीं लगता। इसलिए आप लोग देख सकते हैं, सोच अब दो को हमारे घोड़े डायमंड के साथ और काजल के साथ, सॉरी ब्लैक डायमंड और हमारा नैना है, और बिजली के साथ हम लोग जा रहे हैं दोस्तों फार्म पे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहे और वीडियो का मज़ा लेते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत सारे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुका है। तो हम इसलिए दोस्तों फार्म पे इसलिए नहीं जाते, जल को इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए उसको घर पे ही ला के हम लोग घास देते हैं। तो चलिए हम अपने नैने को पहले ले लेते हैं। हम लोग नैना और तीन घोड़े के साथ जा रहे हैं दोस्तों फार्म पे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहे, वीडियो का मज़ा लेते रहे। चलिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे घोड़े रेडी हो चुके हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो आप पीछे देख रहे हैं दो घोड़े और हमारे यहाँ पे, तो ये सब नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मेरा कल्लू जा रहा है और पीछे से नैना और बिजली, और ये लोग घर पे गए। गर्मी बहुत है, तो सारे घोड़े को दोस्तों नहीं लेके जा रहे हैं अपने फार्म पे, सिर्फ तीन को लेके जा रहे हैं, सिर्फ तीन। देखते हैं, आप लोग गर्मी बहुत है, अभी हम लोग को गर्मी इतना लग रहा है तो जानवर कितना लगता है। तो इसलिए दो घोड़े पद्मावती और काजल और चेतक उसके साथ में है, तो इसलिए वो लोग को अभी नहीं लेके जाते, वो लोग को गर्मी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। इसलिए दोस्तों ये तीन घोड़े के जा रहे हैं, पीछे देख रहे हो मेरे सारे घोड़े बने हुए हैं। ओके, ये रहा हमारा ब्लैक डायमंड, पीछे नैना, उसके बाद किडनी, तो यही सब हम लेके जा रहे हैं। आपको आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा घर की गली है, हम लोग इससे बाहर की ओर जा रहे हैं, पीछे जाम लग गया है। ये रहा मेरा कल्लू जो है बिना लगाम के जा रहे हैं। ये रहा दोस्तों बैकलो जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हुए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से कल्लू को लोके, और अरे एक घोड़े आगे चल गए और मैं और हम बहुत पीछे, तो हम भी चलते, इसी के बहाने से हम भी टेस्ट ले लेंगे किस तरह चलते हैं। ये रहा ये वाले आज हम लोग दोस्तों इसके अंदर लेके जा रहे हैं सारे घोड़े को, आप देख सकते हैं बिजली आगे है। तो आज इसी में हम दिन भर छोड़ेंगे, इसके जो पीछे वाले जो हमारे फार्म थे उस जगह हम नहीं लेके गए हैं दोस्तों, तो आज हम इसमें ही लेके जा रहे हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। चारों पट्टी से बाउंड्री हो चुका है दोस्तों, और हमारे घोड़े इसके अंदर रहते हैं, आज देखते हैं किस तरह अपना दिन बिताते हैं। हम लोग दोस्तों हमेशा जगह बदल बदल के देते रहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जगह किस तरह देना चाहिए, हर जगह बदलना चाहिए अपने घोड़े के नियम से। गेट के पास है, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं, नैना भी आ चुकी है धीरे धीरे से, सागर लेके आ रहे हैं नए ड्राइवर। हम लोग चले अंदर, आप ये रहा हम लोग इसके अंदर, अपने आप देख लेते कितना जगह है हमारे घोड़े के लिए। ये आज ये वाला खेत पे हम लोग काफ़ी दिन के बाद आए, आप लोगों को भी साथ में लेके आए हैं वे, और देखते हैं यहाँ का घास काफ़ी अच्छा हो चुका है। सारे घोड़े मेरे पीछे हैं और तीन दो घोड़े हमारे घर पे हैं, ये रहा मेरे बिजली, पहले हम उतर जाते हैं इसके नीचे। आप लोग देख सकते हैं हम फार्म के अंदर आ चुके हैं हमारे तीन घोड़े लेके, तीन घोड़े, देखिए मौसम आज अच्छे हैं इसलिए तीन घोड़े हम लोग लेके आ चुके हैं। अगर मौसम ख़राब रहेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुका है, तो गर्मी में इंसान का जब हालत ख़राब होता है तो घोड़ों का भी। ये वाला फार्म पे देखिए बहुत दिन के बाद आए और हरियाली हो गया, चारों पट्टी थे, अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दिक्कत इस बात की नहीं है क्योंकि हम चारों पट्टी से बाउंड्री हो चुका है, देख लीजिए। बाउंड्री होने के बाद आप घोड़े गलती से खुले रह जाए या कुछ हो जाए तो ये इसी के अंदर रहे, आप देख सकते हैं गेट भी लग चुका है दोस्तों, गेट लग गया है तो घोड़े अंदर रहेंगे, अंदर से बाहर नहीं जा सकता।
आप लोग देख सकते हैं, आप इसी के अंदर हमारे सारे घोड़े रहने वाले हैं, जैसे ब्लैक डायमंड और बाकी घोड़े जितने हमारे घोड़े हैं सब इसी में आज रहने वाले हैं। और देखते हैं ये लोग का कितना अच्छा वातावरण रहता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बाकी घोड़े, हम दोनों को खोल रहे हैं और इसको भी खोलते हैं। इसको खोलेंगे नहीं दोस्तों, इसको बांध के रखते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे घास हैं और इसके आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे लाइफ हो चुके हैं। इसे पहले दूसरे देख सकते हैं दोस्तों, एक आदमी एक छोटे बस्ते दो वो घोड़े संभाल के रखे हैं फार्म से। ये हमारे राज है, बहुत ही छोटे राइडर है जो काफ़ी अच्छे से चलाते हैं, काफ़ी समझदार है। देख सकते हैं हमें से भी कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों तो पूछ सकते हैं, राज के बारे में भी बहुत अच्छे हैं, हैवी चालक है हमारे। हमें घोड़े चला कर बहुत बढ़िया लगते हैं। आज हमारी दिन भर की आज फार्म पे बहुत अच्छे हैं, वातावरण बहुत अच्छे, बहुत शांति वातावरण। तो आज हम लोग दिन भर इसी फार्म के अंदर बिताने वाले हैं, हमारे घोड़े के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके यहाँ पे पानी उनी की भी कमी नहीं होते दोस्तों, बगल में हमारे एक नल है, उस जगह भी हम लोग इसके लिए पानी रखे व्यवस्था। तो चलिए और आपको चलते हैं दिखाते हैं। तो हम जैसा कि आपको पता है कि इसके रस्सी में बांध देते हैं, तो चलिए हम बांधते हैं इसको। ये रहा दोस्तों रस्सी, ये रस्सी रहा और इसके अंदर हम दोस्तों इस फार्म की खास बात ये भी है क्योंकि जब धूप दोपहर बजे का मतलब दोपहर के टाइम में फर्स्ट आवर में, उसके बाद धूप जब ढलने लगते हैं तो इधर छाव हो जाते हैं, तो इसलिए इस फार्म पे लाए हैं और काफ़ी धूप से बचाव होगा। तो चलिए इसको हम खोलते हैं पहले। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि हम अपने घोड़े को बांध दिए हैं और दो घोड़े खुले रहेंगे, तो मैं हम बीच बीच में आते रहेंगे, देखते रहेंगे। जैसा आप लोग देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो गर्मी के बारे में भी हम आपको लोग को बताएंगे, टिप्स देता रहेंगे कैसे घोड़े को अपने घर पे रखें, क्या खिलाएं और कैसे, तो हम आपको बताते हैं। अगर घोड़े के बारे में जानकारी और चाहिए तो हमें आपको बताते रहूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे घोड़े आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।